गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिस सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मुकेश बाकर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम अध्ययन करेंगे समाकलन के बारे में। आपकी एक पूरी बुक है समाकलन गणित जिसका नाम है, और उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो समाकलन गणित है वो हम जानते हैं कि अवकलन की जस्ट अपोजिट होती है। जैसे कि अवकलन करते हैं हम तो उनके जस्ट अपोजिट होती है समाकलन। अब समाकलन है अपोजिट कैसे होती है कि मैंने कहा साइन का कोस होता है, ठीक है, तो समाकलन में क्या होगा, कोस का उल्टा हो जाएगा साइन। बस कुछ एक सूत्रों में अपने चिन्ह चेंज होता है, लेकिन बाकी के है सारे उनके जस्ट विपरीत है। तो आइए देखते हैं। तो अब देखो, जैसे एडिंग लगा लेता हूं मैं, इंटीग्रल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। आप देखो ये जस्ट अपोजिट कैसे होते हैं, मैंने कहा था ना अभी कि अवकलन के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो अवकलन के अपोजिट कैसे होते हैं कि मैंने लिखा, अब एक चीज आप ध्यान रखना कि यहाँ पे इस तरह का चिन्ह होता है ना, ये समाकलन को निरूपित करता है, नाग की तरह है ना, सांप की तरह। तो इसको हम समाकलन बोलते हैं, समाकलन बोलेंगे। अब जैसे मैंने कहा इंटीग्रल ऑफ ए, ये हो गया, या इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, तो इसको बोलते हैं समाकलन। इंग्लिश में बोलती दिया इंटीग्रल, ठीक है। तो अब देखो अवकलन कैसे करते हैं हम। अवकलन में जैसे मैंने लिखा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसका क्या होता है भाई, कोस एक्स होता है साइन एक्स का। अब इसमें क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। कैसे, कि मैंने कहा कि साइन एक्स का डी एक्स का समाकलन करो, ठीक है, सॉरी अब देखो कोस एक्स का हुआ, इसमें उल्टा कैसे होगा कि यहाँ पे साइन का कोस हुआ, तो अब इसमें कोस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखना आप एक चीज, हम यहाँ पे एक तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, यानी मैं इसको क्या बोलूंगा कि कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन, कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन है वो होता है आपके साइन एक्स प्लस सी। सी यहाँ पे क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अब सी कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं ये अलग अलग स्थिति पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक अनिश्चित समाकलन होता है, अनिश्चित समाकलन का मतलब है उसमें कोई लिमिट नहीं दी हुई होती है। जैसे मैंने लिखा समाकलन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो मैं इसका समाकलन क्या लिखूंगा, एफ एक्स प्लस सी। अब इसमें देखो आप यहां पे क्या कोई लिमिट दी हुई है, यदि लिमिट नहीं दी हुई है तो हम उसे कहते हैं अनिश्चित समाकलन, ठीक है, ये हो गया अनिश्चित समाकलन। अब है निश्चित कौन सा होता है, जिसमें ये लिमिट दे दी कि लिमिट a से b एफ एक्स डी एक्स, तो इसका हो गया एफ एक्स प्लस सी। अब यहां पे प्लस c नहीं आएगा, ये है ना, है जैसे जैसे लिखा मैंने, लेकिन जब लिमिट आ जाती है तो इसमें यहां पे प्लस में c नहीं लिखना है, इसको काट कर दियो, हो गया कट। तो जो एफ एक्स का समाकलन है एस से बी वो क्या हो जाएगा एफ एक्स, इसमें प्लस सी नहीं आता है, कॉन्स्टेंट नहीं आता, कॉन्स्टेंट तभी आएगा जब हमारे पास में ए निश्चित समाकलन दिए हुए हो। अब है एक आता है आपके अनंत समाकलन, जिसमें घात होती है आपके यही होता है सेम, जैसे माइनस इनफाइनाइट से जीरो दे दिया एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो गया अनंत समाकलन। एक आपके आता है जिसमें ऐसे किसी पृष्ठ एस के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो होता है पृष्ठीय समाकलन। एक होता है आपके बंद, जैसे कि कोई बंद पृष्ठ के सापेक्ष, बंद पृष्ठ को हम इसी से निरूपित करते हैं होल ऑफ इंटीग्रेशन,
फिजिक्स में आपने पढ़ा है, जिसमें गाउस का नियम पढ़ा होगा, और भी काफी हमारे उसमें इस तरह के यूज में आते हैं, डेरिवेशन है काफी सारे, जिसमें स्टोक की प्रमेय देख लो आप, तो उनमें है होलोप इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जो समाकलन है वो बंद पृष्ठ के सापेक्ष करना है, और यहाँ पे भी बंद पृष्ठ, यहाँ ये एस लिख दिया तो क्या हो जाएगा आपके बंद पृष्ठ के सापेक्ष। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपके नॉर्मल जानकारी है कि किस किस के सापेक्ष किस तरह से हम समाकलन करते हैं। अब है कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिनमें हम देखेंगे कि समाकलन है उसको किस प्रकार से हम यहाँ पे व्यंजक को निरूपित करते हैं। तो देखो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, ज्यादा जो चीज हम समझते हैं वो क्वेश्चनों के माध्यम से ही समझ पाएंगे। अब देखना जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा एक कि एक्स का हाँ समाकलन एक्स के सापेक्ष कीजिए। इसमें आपके एक नया सूत्र आएगा जो आएगा एक्स की पावर एन का डीएक्स, एक्स की पावर एन डीएक्स, इसका समाकलन का सूत्र होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये है आपके समाकलन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, और जो अवकलन में हमने पढ़ा था वैसा नहीं है। अवकलन में क्या था कि एक्स की पावर एन का जब हम डी अपॉन डी एक्स करते हैं तो क्या था एन एक्स एन माइनस वन। कई बार क्या होता है कि कुछ एक स्टूडेंट एक्स की पावर एन का समाकलन और अवकलन में कंफ्यूजन हो जाता है, और वो क्या करते हैं कि समाकलन की जगह अवकलन कर देते हैं। अरे कई बार हम ऐसा देखते हैं कि बार बार हम जैसे अवकलन करें या बार बार हम समाकलन करें, तो कई स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम अवकलन भूल जाते हैं, समाकलन कर देते हैं वहां पे। तो इस चीज का आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे कि कौन से में हमें अवकलन करना है, कौन से में अपने को समाकलन करना है। बस लिखा हुआ आपके पास में ये आएगा कि एक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष समाकलन करो, तो समाकलन में आपका दिमाग वहां पे जाना चाहिए कौन से वाले सूत्र पे, एक्स की पावर एन डीएक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ऐसा नहीं कि आपका दिमाग चला जाए अवकलन में, कई बार ऐसा होता है। इसमें आप एक चीज और ध्यान रखना कि जब साइन एक्स का हम करते हैं समाकलन, तो साइन एक्स का होता है माइनस में कोस एक्स, ठीक है, और उसमें क्या होता है साइन एक्स का कोस एक्स, किसमें अवकलन में, अवकलन में होता है साइन एक्स का कोस एक्स। अरे जैसे मैंने लिखा डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया साइन एक्स, इसका होता है कोस एक्स। और समाकलन की बात करें तो साइन एक्स डीएक्स इसका होता है माइनस का कोस एक्स प्लस सी। तो यहां पे ये माइनस आ गया। कई बार क्या होता है कि ये रियल बात है कि जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं और शुरुआती दौर करते हैं, जैसे कि भी आप लोग भी मान लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं जो कि 12th में नहीं पढ़ते हैं, 12th में ये देखते हैं कि भाई कितनी प्रश्नावलियां हैं समाकलन की, जैसे दो तीन प्रश्नावली आ गई तो अरे दो तीन प्रश्नावलियों में क्या फर्क पड़ने वाला है, छोड़ देते हैं इनको। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये पूरी बुक आ जाती है उनके सामने। अब उस बुक का हल्के से कर पाएंगे, वो फर्स्ट ईयर में आपके पूरी बुक है, तो अब जब आपने एक छोटा सा समाकलन तक नहीं पढ़ा तो बुक को हल करना तो बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। तो उस स्थिति में मैं आपको नॉर्मल जानकारी बता देता हूं, कोई भी बुक हो स्टार्टिंग होने से पहले उसके नॉर्मली जो जितने भी क्वेश्चंस या फिर शुरुआती सूत्र होते हैं वो मैं बता देता हूं ताकि आपके आगे कोई प्रॉब्लम न हो। अब देखो, अब साइन एक्स का सीधा पूछ लो आप किसी से भी, साइन एक्स का कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स, कोस एक्स का साइन माइनस का साइन एक्स, ये होता है अवकलन। और समाकलन की बात करें तो साइन एक्स का माइनस कोस एक्स और कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स, ठीक है। तो अब है और बाकी ये है ना जितने भी आप देख लेना कि मैंने कहा कि सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इसका समाकलन क्या होता है, तो टेन एक्स प्लस सी, सारे है वैसे ही है जैसे अवकलन में हमने सारे सूत्र लिखे थे, जस्ट उनके आगे वाले है ना बराबर के इस तरफ लिखे हुए हैं, उनके ऐसे समाकलन का चिन्ह बना दियो
और वापिस उल्टी वाली संख्या लिख देना, तो वही उसका समाकलन होता है। समाकलन जस्ट अवकलन का अपोजिट होता है, विपरीत होता है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन था अपने, क्वेश्चन ये आया हुआ था कि एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष कीजिए। तो आप भाई क्या लिखोगे, पहले तो एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन के लिए आपको क्या करना है, इस तरह का एक चिन्ह बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो। फिर लिखोगे एक्स की पावर एन डीएक्स। डीएक्स का मतलब यहां पे है एक्स के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स की पावर एन डीएक्स, हमने सूत्र पढ़ा था कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये तो सूत्र हो गया। अब क्वेश्चन क्या था, एक्स ही था ना ओनली, अरे एक्स ही था या एक्स की पावर एन था, एक्स का था ओनली, तो समाकलन बना दियो एक्स डीएक्स इक्वल टू क्या करोगे भाई, एक्स की पावर एन प्लस वन। तो यहां पे क्या है, एक्स की पावर क्या है, वन है, तो लिखेंगे हम एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, तो कितनी होगी, एक्स की पावर टू अपॉन टू, तो एक बट्टा दो एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से आपको समाकलन करने। कुछ एक क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा कि आ गया आपके वन अपॉन एक्स प्लस एक्स की घात तीन का एक्स के सापेक्ष समाकल करो। तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो कोष्टक बना दो, वन अपॉन एक्स प्लस एक्स की घात तीन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों देखो प्लस का चिन्ह आया है बीच में, तो दोनों को अलग अलग कर ले। दोनों को अलग अलग करने का मतलब यही है कि दोनों का अलग अलग समाकलन करना है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर तीन डी एक्स, अलग अलग लिख दिया। अब इनके समाकलन कर सकते हैं, समाकलन वन अपॉन एक्स, बताओ देखे भाई वन अपॉन एक्स क्या था, किसका अवकलन था, लोग एक्स का था। हमने ये लिखा था ना कि डी अपॉन डी एक्स लोग एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स, यही लिखा था। अरे ये वाला था ना डी अपॉन डी एक्स लोग ई एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स, ये था। तो मैंने कहा आपको क्या बोला था कि बराबर के जस्ट जो आगे वाली संख्या है उसके ये निशान लगा दो, निशान लगाते ही वो वापस इस संख्या को व्यक्त करेगा, बस और कुछ नहीं है। तो अब मैंने भी यहां पे क्या किया कि वन अपॉन एक्स था, तो वन अपॉन एक्स से उसका अपोजिट क्या हो गया, लॉग एक्स, तो इसका मैं क्या कर दूंगा, लॉग एक्स प्लस अब एक्स की घात तीन आ गई। एक्स की घात तीन का मतलब क्या है, एक्स की पावर एन, और एक्स की पावर एन का सूत्र क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स की पावर तीन प्लस वन अपॉन तीन प्लस वन, और ये हो गया डीएक्स। तो क्या लिखेंगे अब, डीएक्स नहीं लिखेंगे, समाकलन लिख दिया प्लस अस्सी कर दियो, तो ये हो जाएगा आपके लॉग ई एक्स प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी। तो इस तरह से आपने समाकलन किस तरह से करना है वो समझ गए होंगे। तो सारे क्वेश्चन से अब स्टार्टिंग पॉइंट है ये तो समाकलन का, आगे आगे आप ये पढ़ोगे, एक बार समाकलन, फिर दो बार समाकलन, तीन बार समाकलन, त्रिसमाकलन जिसको बोलते हैं। तो यदि आपको एक बार समाकलन करना आता है तो आप दो क्या 10 बार बोल दें, तो 10 बार भी आप इनका समाकलन कर सकते हो, है ना। तो ये इस तरह के, अब देखो आपने समाकलन की कुछ विधियां पढ़ी होगी जिसमें आपके थी एक प्रतिस्थापन, और एक थी जैसे आंशिक भिन्नवाली, एक थी आपके खंडे से समाकलन। खंडे से समाकलन जिसमें फर्स्ट और सेकंड आइलेट वाले फॉर्मूले से हम उसको हल करते हैं। तो ये जो विधियां हैं आपके काम आएगी समाकलन में। समाकलन है एक तो सूत्र तो है ही आपको पढ़ने हैं वो तो सारे, और जो विधियां हैं वो मैं आपको धीरे धीरे करके बता दूंगा, जैसे जैसे जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे उनके अकॉर्डिंग
हम है उन विधियों का भी यूज में लेंगे। तो अब देखो, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो वन प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करो, समाकलन करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो समाकलन आए या नहीं आए, सबसे पहले तो आपको इस चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। समाकलन चाहिए कोई सा भी हो, भले ना आ रहा हो, लेकिन आपको सबसे पहले यह चिन्ह जरूर बनाना है। और चिन्ह बनाने के बाद में यहां पे इस संख्या को लिख देना log ex अपॉन x, और ये लिख दिया dx, ठीक है, कि हमें 1 प्लस log ex अपॉन x का समाकलन करना है x के सापेक्ष। इसका अर्थ यही है, अभी तक जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही चीज हमने लिखी है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया है। तो अब है इसका आगे अवकलन करना है, आगे समाकलन करना है। और समाकलन कैसे होगा, अवकलन करके, कैसे, प्रतिस्थापन विधि आपने पढ़ी होगी। तो उसमें क्या करते हैं, हम पुट मान रखते हैं, याद आया कुछ, क्या करेंगे भाई पुट, वन प्लस लोग एक्स या वन अपॉन एक्स, बताओ क्या करें पुट की। इसमें हमें जब उसको टी मान ले, इसको मान ले वन प्लस लोग एक्स को, अरे वन प्लस लोग एक्स है, वन प्लस लोग एक्स इक्वल टू टी हो तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। ये हो सकता है क्या, मैंने इसको माना है टी ऊपर वाले को, तो वन अपॉन एक्स जो डी एक्स है उसको मैं क्या लिखूंगा dt। अब देखो यहां पे मैंने अवकलन किया है, इस बात का ध्यान रखना कि पुट जो मान हम रखते हैं वो आपको पहले कॉमन सेंस लगाना है कि हमें किस संख्या को, किस मान को t माने कि बाकी के जो है वो हमें dt प्राप्त हो जाए, ताकि t और dt के पदों में ही सारे व्यंजक हो, अलग अलग व्यंजक प्राप्त नहीं हो। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे बीच में x आ गया, अरे आप कर रहे हो टी के सापेक्ष समाकलन, तो उस स्थिति में ये विधि का यूज नहीं होता है। उसके बाद में जैसे कि लॉगरिथम आ गया या फिर कोई गुणा में कोई दूसरी संख्या आ गई, तो उसके लिए अलग विधियां हैं। लेकिन जो ये क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सबसे अच्छी विधि यही लग रही है कि आप इनमें से किसी एक के मान को टी मान लो, ताकि जो बाकी का मान बच रहा है वो हमें dt के बराबर प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 प्लस log ex है उसको t मान लिया, और 1 अपॉन x dx क्या हो गया dt। तो मैं इसको क्या लिखूंगा भाई, समाकलन लिख दिया 1 प्लस log ex, इसको क्या माना t मान लिया, तो 1 अपॉन x dx बराबर क्या हो गया dt। कोई कंफ्यूजन है नहीं है ने? कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक। मैंने क्या, बस 1 प्लस लोग एक्स है उसको टी माना, तो इसको मैंने टी लिख दिया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स के आ गया, ऑटोमेटिकली डी टी प्राप्त हो गया, तो मैंने इसको लिख दिया डी टी। तो टी का समाकलन करना है डी टी के सापेक्ष, टी का समाकलन डी टी के सापेक्ष करना है। तो हमें यह साफ नजर आ रहा है कि टी का डी टी के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, x की पावर n वाला लगेगा। उसमें क्या था, x का हम x के सापेक्ष कर रहे थे समाकलन, तो x की पावर n इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही था। तो यहाँ पे भी यही है, t है और उसका dt के सापेक्ष में समाकलन करना है। तो क्या लिखूंगा मैं, क्या लिख सकता हूं भाई, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। T की पावर एक है यहां पे, ऐसा नहीं कि कई बार क्या कर देते हैं कि अरे यार T की पावर क्या है, तो कई महानुभाव ऐसे होते हैं जो कि T की पावर जीरो कर देते हैं कि T की पावर है कहां,
अब उनको कौन समझाएगी, यहाँ पे एक पावर होती है जिसकी घात नहीं होती ना, उसकी घात एक होती है। जैसे कि हम वो मानते हैं ना कि कोई भी संख्या है उसके बट्टा में कुछ नहीं होता, उसका मतलब होता है एक होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि टिक की पावर एक है यहाँ पे, और सूत्र है वो हो गया आपके एक्स की पावर एन वाला। तो टिक की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, इसको मैं क्या लिखूंगा, टिक की पावर टू अपॉन टू प्लस सी। तो ये हो गया इसका समाकलन। अब देखो भाई टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, अभी तक ये हमने समाकलन कर दिया, लेकिन जो मान हमने पहले माना था, पुट किया था, तो उस पुट में हमने जिसको टी माना था उसका मान यहां पे रखना है। तो कैसे रखेंगे, टी का स्क्वायर तो वन प्लस लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। इस तरह से आपको समाकलन करना है। अब आगे देखना, जैसे कई बार ऐसा आ जाता है, कितने क्वेश्चन हो गए, जैसे आ गया e की पावर x का x के सापेक्ष समाकलन करो। ठीक है, अब वैसे मैं है आपको लगभग लगभग बता दूंगा कि किस तरह से और किस प्रकार से हमें समाकलन करने हैं। ठीक है, तो e की पावर x का x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, e की पावर x dx। अब इसमें ध्यान रखना कि e की पावर x था, तो e की पावर x का अवकलन हमने क्या पढ़ा था, e की पावर x का अवकलन हमने e की पावर x ही पढ़ा था, और e की पावर x है उसका समाकलन भी e की पावर x ही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, एक यही ऐसा मान है जो है जैसे जैसे पड़ा रहता है, कुछ भी मतलब नहीं है इसका। यानी कि e की पावर x का आप समाकलन कर दो भले ही अवकलन कर दो, e की पावर x ही आता है, तो इसका क्या जाएगा, e की पावर x प्लस c। ठीक है, अब एक आप चीज ये देखना कि जैसे मैंने संख्या लिखी 2x प्लस लिख दिया sec स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन। अभी है ना ये समाकलन बिल्कुल इजी है ना, आपके शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट है ये, इसके बाद में आपके आंशिक वाले आंशिक भिन्न वाले आएंगे, खंडस्य समाकलन आएंगे, और भी प्रतिस्थापन वाले भी आएंगे। प्रतिस्थापन में आपको पहले कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि हम किस फोर्टी माने, तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन करेंगे हम। उससे पहले थोड़े से इजी समझ लेते हैं कि किसके समाकलन क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो 2x प्लस sec स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो क्या लिखेंगे हम, समाकलन का चिन्ह बना दो और लिख देंगे 2x प्लस sec स्क्वायर x dx, लिख दिया, इस पोस्टर को कर दो बंद। अब देखो दोनों संख्याएं हैं अलग अलग है, यानी कि दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, तो दोनों संख्याओं का मान अलग अलग हो गया। अब दोनों का मान अलग अलग है तो प्रत्येक का समाकलन कर सकते हैं हम, तो प्रत्येक का समाकलन कैसे करेंगे कि यहां पे 2x और dx कर दो और इसमें हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। तो 2x का कितना हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, तो 2 को बाहर ले लिया। x का क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x अवकलन। यहां पे देखना कि sec स्क्वायर x का जस्ट उल्टा क्या होगा, tan x, अरे tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा, tan x। यही तो बताया था मैंने कि अवकलन का जस्ट अपोजिट करना है आपको, तो 2 से 2 कैंसिल प्लस c, ये कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस tan x। अब एक चीज और देखना आप कि जैसे क्वेश्चन नंबर आ गया 5 6 क्या, तो इसमें है मैंने लिखा कि 1 का
ए का एक्स के सापेक्ष समाकलन। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना यहां पे कि यहां पे हम लिख रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जो दिया गया मान है उसका टी के सापेक्ष अवकलन करो या फिर वाई के सापेक्ष समाकलन करो, तो इसमें ये तो है जैसे जैसे रहने वाला है कि इसका तो यदि अवकलन कर दो तो समाकलन कर दो, इसको तो एक बार तो ऐसे ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। कैसे कि यहाँ पे समाकलन लिखूंगा मैं तो ये लिखूंगा वन डी एक्स, या फिर हम है यहाँ पे एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष बार बार अवकलन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि एक्स का कोई महत्व भी है, और यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में टी दे देते जाए, टी आने पर भी हम लोग तो क्या करते हैं इस एक्स को लेके ही आगे चल जाते हैं, तो एक्स को लेके आप चलते हो तो गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके सापेक्ष ही आपको समाकलन या अवकलन करना है। अवकलन और समाकलन दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यदि आपको अवकलन आ रहे हैं तो आप समाकलन कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि भाई बोलते हैं कि कुछ एक स्टूडेंट्स कि हमें समाकलन नहीं आते, अवकलन आते हैं, तो थोड़ा बहुत देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, और रेगुलरिटी रखोगे ना तो समाकलन आराम से आ जाएंगे। अब देखो ये हो गया आपके क्वेश्चन, अब देखो जिस प्रकार से प्रतिस्थापन में हम बात करें जिसमें कई बार ऐसा आ जाता है जैसे कि प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करो, निम्न का प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करो, तो उसमें आपके ये दे देता है कि माइनस का sec स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स, तो इसका समाकलन करो। कई बार ऐसा जाता है कि एक्स के सापेक्ष या सीधा लिख दिया मैंने ने, इसका मतलब क्या है कि इस मान का एक्स के सापेक्ष समाकलन, लैंग्वेज में ये लिखूंगा कि sec स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स है माइनस में का एक्स के सापेक्ष समाकलन करो, ये लिखूंगा। तो अब इसका कैसे करेंगे कि यहां पे हम देख रहे हैं कि टेन को हम टी मान लें, पुट टेन एक्स इक्वल टू टी मान लें, तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं डी टी, तो ये देखो माइनस से उसको बाहर रहने दो, ये हो जाएगा डी टी sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी। अरे यहां पे जो ये मान है सारा, यहां पे भी ये ऊपर ये मान है, इस सारे की जगह क्या आ जाएगा डी टी अपॉन टेन एक्स, टेन एक्स को क्या माना था हमने टी माना था, तो ये हो गया टी, वन अपॉन टी का समाकलन क्या होता भाई डी टी के सापेक्ष कर रहे हैं। अब कई क्या होते हैं कि इस टी को ऊपर ले जाते हैं, जैसे टी की पावर माइनस वन माइनस प्लस वन, फिर ऐसा करते हैं अपॉन माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो, और अब जीरो का भाग है उसमें देते हैं, तो उतना भाग देने की जरूरत नहीं है, पहले आप इसको देखो सीधा सीधा समाकलन हो रहा है इसका, कैसे कि वन अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है लोग एक्स नहीं होता, लोग एक्स का अवकलन वन अपॉन एक्स ही तो होता है, अरे लोग एक्स का अवकलन वन अपॉन एक्स होता है, तो वन अपॉन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा लोग एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा इसको माइनस का लोग ई प्लस सी, बस अब टी की जगह मान क्या था टेन एक्स था, तो ये लिख दो बस, इस तरह से आपको समाकलन करने हैं। अब है एग्जाम्पल तो कितने ही कर लो आप, कोई अंत नहीं है, ये तो मैंने आपको केवल आज इंट्रोड्यूशन किया है कि भाई आप है ये समाकलन किस प्रकार से होते हैं, हल किस तरह से करना है, विधियां कितनी होती है, यदि हमें समाकलन के क्वेश्चन दे दिए जाए तो हमें उसमें कौन सी विधि का यूज करना है,
एक वो पड़ा होगा अखंडित समाकलन, उसमें फर्स्ट व सेकंड मानते हैं कि फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का उत्कलन, सेकंड का समाकलन और पूरे का समाकलन करते हैं। तो कई सारे सूत्र पढ़े होंगे आपने और पढ़ेंगे भी, यदि नहीं पढ़े हैं तो इस क्लास में पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसमें ये जो आज पढ़ाई चीज है, ये आज पढ़ाई है ना, मैंने जो भी जो कुछ भी पढ़ाया है, सूत्र हैं या फिर एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मैंने कुछ प्रतिस्थापन विधि के भी कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, तो ये नॉर्मल जानकारी है और ये नॉर्मल जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसलिए अगली क्लास जब भी हो तो उस समय जब जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप ऐसा लगना चाहिए आपको कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, आओ भले ही मत लेकिन ऐसा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास में सूत्र यही रहने वाले हैं, यही तरीका रहने वाला है और इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे कि समाकलन है किसका किसके सापेक्ष कर रहे हैं, कौन सी विधि प्रयुक्त होगी उसमें, ये आपको पता लगाना है पहले, तो उसके बाद में यही क्वेश्चन होगा। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, धन्यवाद।